गुलशन पॉलीवॉल्स लिमिटेड बोलगांव द्वारा आज नेत्र शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 158 लोग उपस्थित हुए, जिसमें से 12 लोगों को ऑपरेशन के लिए भी चयनित किया गया। गुलशन पॉलीवॉल्स लिमिटेड द्वारा आयोजित नेत्र शिविर में लायंस क्लब के डॉक्टर हिमांशु तिवारी स्टाफ सहित बोलगांव के डॉक्टर कामना शिव, पारसिंगा की डॉक्टर श्रीमती संगीता जैन तथा लोधीखेड़ा के डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट श्रीमती अलका जैन, श्याम शिरसागर एवं अन्य डॉक्टरगण इस वक्त उपस्थित रहे। 158 लोग इस कैंप में उपस्थित रहे, जिसमें से 12 लोगों को ऑपरेशन के लिए भी चयनित किया गया, जिन्हें कंपनी प्रतिनिधि के साथ बस द्वारा परसिया चिकित्सालय ऑपरेशन के लिए भिजवाया गया। कंपनी की ओर से आशीष दुबे द्वारा लायंस क्लब के डॉक्टर को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर प्रवीण श्रीवास्तव ने समस्त चिकित्सक, आगंतुक, सरपंच, सचिव, नागरिकों का आभार प्रकट किया। कल्याण के लिए हमारे छिंदवाड़ा जिले में ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि जो लायंस क्लब है और जो भास्कर भाई के माध्यम से जो एक सेवा का भावना के साथ कार्यक्रम चालू किया जा रहा है, और लगभग हर हफ्ते कहीं ना कहीं इनके कैंप होते रहते हैं और लोगों की आंखों की जांच और फ्री जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाते हैं, लेटेस्ट मशीनों के साथ, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक अच्छी डॉक्टर की टीम के साथ। तो हम सबका स्वागत करेंगे यहाँ पे। और गुलशन पॉलीमर्स हमेशा इस का संकल्पित रहा है कि हम लोग इस दिशा में मानव सेवा के लिए जो भी कल्याण के कार्यक्रम होते हैं हम उसमें भी कहीं ना कहीं अपना योगदान देते रहें। तो आज हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये स्वीकार किया और आज हम लोग ये जो कैंप करने जा रहे हैं, इसमें जो भी लोग चिन्हित किए जाएंगे कल इनका ऑपरेशन किया जाएगा परासिया नेत्र जो उनका हॉस्पिटल है, उसके बाद उन लोगों को हम लोग लाने ले जाने की सारी व्यवस्था जो रहेगी वो इसी हॉस्पिटल की मदद से की जा रही है। तो बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। और हमारे जो CMD साहब का हमेशा भावना रही है कि ये जितने भी इस प्रकार से तो बोलते हैं एक भागीरथ प्रयास रखा है कि हम लोग रोजगार भी दें लोगों को, साथ में जो क्षेत्र के वासी हमारे उनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दिशा में भी हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे कुछ नए आयाम स्थापित करते रहें। केसरी उजाला न्यूज के लिए सौसर बरगाव से चेतन साहू की रिपोर्ट।